गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय गुरुदेव। तो आज का जो वीडियो मैं रखा हूँ तो एक छूट गया था, जैसे हाउ टू नो नंबर इज डिविजिबल बाय 7, तो ये छूट गया था। तो इसके लिए मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लेके आया हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, तो शुरू करते हैं। तो एक नंबर लेते हैं, मान लो 49 है। तो ये नंबर 7 के द्वारा डिविजिबल है या नहीं कैसे पता चलेगा? पहले यहाँ पे जो नंबर है उसका डबल लीजिए। क्या लेंगे? लास्ट का डबल। तो 9 का डबल कितना? 18। तो ये जो नंबर बचा लास्ट को, उसको माइनस करना है। तो 18 माइनस 4 कितना होता है? 14। ये जो 14 है 7 का टेबल में है, 7 2 जा, उसका मतलब ये जो 49 है दिस इज डिविजिबल बाय 7, 7 7 जा। ओके, ये तो हो गया छोटा सा। अगर कोई बड़ा नंबर होगा, मान लो एक नंबर है 182, ठीक है। तो ये नंबर हमको कैसे पता चलेगा कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7? हमारा सेम प्रोसीजर, लास्ट नंबर का क्या लेंगे? डबल ले जाते हैं। 2 का डबल क्या होता है? 4। 4 से क्या करना है? 18 माइनस करते हैं तो कितना आएगा? माइनस 14। तो ये सिंबल छोड़ दो, माइनस हो या प्लस हो। तो ये जो 14 आया, दिस 14 इज अगेन डिवाइड बाय 7। तो ये जो 14 है 7 का टेबल में है, 7 2 जा 14। दैट मीन्स ये जो 81 82 है वो पूरा 7 का टेबल में है, मतलब डिविजिबल बाय 7। कैसे? 7 2 जा 14 और यहाँ पे बचा 6। ओके, ये हो गया आपका आंसर 26। तो यहाँ तक डाउट क्लियर? ठीक है, तो आपको चेक करना है, मान लो 156 ये 7 का टेबल में है या नहीं, ये आपके लिए होमवर्क है। ओके, ठीक है। तो फर्स्ट होमवर्क, सेकंड होमवर्क है कि 364 इसको चेक करना है, ये दोनों को, कि ये 7 का टेबल में है या नहीं। तो और एक मज़ा वाला ट्रिक्स लेके आया हूँ, जैसे अगर कोई भी नंबर लेते हैं, अगर इसको 11 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा। तो अभी मैं एक एग्जांपल छोटा सा लेके मतलब ले रहा हूँ, जैसे 43 × 11, आँख बंद करके आप लिख सकते हैं दिस इज़ द आंसर। तो इतना जल्दी में कैसे लिखा? नहीं तो और एक ले सकते हैं, 45 × 11, ये हो गया आपका 495। तो इतना जल्दी में कैसे लिखा? इसका भी एक ट्रिक्स होता है, दो ट्रिक्स बताऊंगा। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे है 43 था, ठीक है, × 11। तो पहले क्या करना है? 4 लिख देना है। उसके बाद क्या करना है? इन दोनों को ऐड कर देना है। 4 + 3 कितना होता है? 4 + 3 कोड हमको बताए 7। तो यहाँ पे 7 लिखना है और लास्ट को 3। सो ये हो गया आपका आंसर। चाहेंगे तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। वैसे ही 45 का जैसे हुआ था, तो क्या करना है? पहले 4 लिखना है, उसके बाद 5 और दोनों को ऐड करने के बाद 9। ये हो गया आंसर। अगर मान लो कोई बड़ा वाला नंबर है, जैसे 87 × 11, तो इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? कुछ नहीं, सेम प्रोसेस। फर्स्ट में 8 लिखना है, लास्ट को 7। हमको पता है 8 और 7 को ऐड करेंगे तो आता है कितना? 15। तो ये 5 तो रहेगा, लेकिन ये जो 1 का रहेगा, ये 1 यहाँ पे कैरी ओवर हो जाएगा। क्या होगा? कैरी ओवर। तो हो गया आपका आंसर 957। वैसे ही और एक कर लेते हैं, जैसे मान लो 98 × 11 है, तो इसमें क्या होगा? 98 रख दिए, 9 8 17 होता है, तो 7 यहाँ पे, 1 कैरी ओवर। तो ये हो जाएगा कितना? 9 1 कितना? 10 हो गया, 7 8, ठीक है। ठीक है, तो आपके लिए होमवर्क है,
75 इंटू 11 एंड 99 इंटू 11, इसको मैं लास्ट क्लास में दिखूंगा। थैंक यू, जय गुरुदेव।